आर्यन की बेल पर मुकुल रोहतगी की ओर से जो उनका पक्ष रख रहे हैं उन्होंने कोर्ट के भीतर क्या दलीलें रखी। आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए, जज साहब से ये बातें कहते हुए नजर आए, वो जो सामान मिला नहीं अरेस्ट मेमो में उसका जिक्र आकर कैसे आ गया है, ये बातें कहते हुए मुकुल रोहतगी नजर आए। आगे वो कहते हैं कानून कहता है गिरफ्तारी का ठोस आधार दे, लेकिन यहां पर तो एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई भी ठोस आधार नहीं है। एनसीबी के पास फोन चैट है, रिकॉर्ड है, लेकिन हमें गलत जानकारी दी गई, बिना कुछ मिले आप पर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। ये बात भी मुकुल रोहतगी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आर्यन खान के ये तीसरे बड़े वकील हैं जो इस पूरे मामले की पैरवी कोर्ट के भीतर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें रखी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, आर्यन केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि अमित देसाई की हाईकोर्ट में दलील खत्म हो गई है। अरबाज की ओर से अमित देसाई हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे और अब मुनमुन के वकील दलील शुरू कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मुस्तफा शेख। मुस्तफा, मुनमुन के वकील की दलील शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, काशिफ अली खान जो मुनमुन धमेचा के लॉयर हैं उन्होंने अपनी दलीलों को शुरू कर दिया। इसके साथ ही आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमेचा की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो शुरू हो गई है कोर्ट में। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए काशिफ की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि मुनमुन एक फैशन मॉडल है, वो वहां पर पार्टी करने के लिए गई हुई थी, उन्हें अरेस्ट में लिया गया, उसके बाद उनसे जो भी रिकवरी हुई वो कोर्ट में दिखाई गई, लेकिन इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी है ऐसा बताना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अभी काशिफ ने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए हैं, लगभग 5 बजकर जा चुके हैं ऑफिशियल टाइम, तो कोर्ट का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट हियरिंग में है, सेशन कहीं ना कहीं शुरू है और ये उम्मीद लगाई जाएगी कि अब जब उनके आर्ग्यूमेंट खत्म होते हैं उसके बाद एनसीबी को इन तीनों वकीलों ने जो दलीलें दी हैं उसको आर्ग्यू करना है, उसके ऊपर दलीलें देनी है, केस के साइटेशन देने हैं, तो इसमें समय लग सकता है। ये कितना समय लगेगा ये जब एनसीबी के आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएंगे तभी पता पाएंगे। कल तो 6 बजे ही कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई और आज तक के लिए 2:30 बजे तक के लिए मामले को टाल दिया गया था कि दोबारा से सुनवाई 2:30 बजे शुरू होगी। क्या आज भी इस तरह की स्थिति बन सकती है मुस्तफा? और आप बता रहे हैं कि अभी पहले मुकुल रोहतगी की दलीलें खत्म हुई थी, उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरह से अरबाज के वकील की ओर से अपनी दलीलें अमित देसाई ने रखी, मुनमुन के वकील अभी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसके बाद बारी आएगी एनसीबी की, एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हम समझ कर चल रहे हैं कि ऑन एवरेज 2 घंटे लिए गए अमित देसाई की तरफ से, 2 घंटे लिए गए मुकुल रोहतगी की तरफ से, उसके बाद अब 5 बजे के बाद 5:05 पे तकरीबन मुनमुन के जो वकील है उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अभी काशिफ अली खान कितना देर आर्ग्यू करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एनसीबी के आर्ग्यूमेंट्स कब शुरू होते हैं। कल 6 बजे कोर्ट 6 बजे तक बैठा हुआ था, अब देखना यह है कि आज कोर्ट कितने बजे तक रुकता है, क्योंकि जस्टिस सांबरे जैसे कि हमारे संवाददाता विद्या हमें बताती है कि वो जो कोर्ट पे जितने भी केसेस होते हैं वो पूरे केसेस खत्म करने के बाद उठते हैं और इसलिए कभी उन्हें 6, कभी 7, कभी 7:30 ऐसा समय भी हो जाता है। तो इस आज ये देखना होगा कितने समय तक वो बैठते हैं, क्योंकि इस पूरे केस में जो वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 अक्टूबर से दिवाली वेकेशन शुरू होने वाला है और उसके पहले अगर ऑर्डर नहीं आता है तो दिवाली भी आर्यन खान को अथर्व जेल में मनानी पड़ेगी।